जय हिंद एसएससी जीडी के जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया और तगड़ी डाइट बना के लाए हूं दोस्तों, कि आपको क्या खाना है रनिंग से पहले, रनिंग के बाद, रनिंग के बीच में दोस्तों आपको क्या क्या खाना है। मैंने वर्कआउट की वीडियो जो दोस्तों चैनल पे डाल दी है, आप चेकआउट कर सकते हो। हर हफ्ता में दोस्तों आपको वर्कआउट आ जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों आप मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हो दोस्तों, अगर मेरे थ्रू ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आप दोस्तों एक कॉल करके हमारी अकेडमी बक्सर में दोस्तों आप आ सकते हो, ठीक है। देखो तो मैं एक चीज बता देता हूँ, डाइट ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी रनिंग में। जितना बढ़िया डाइट रहेगा, जितना बढ़िया आपका दोस्तों रेस्ट रहेगा, उतना बढ़िया ही बॉडी का रिकवरी भी आएगा और परफॉर्मेंस भी बढ़िया आएगा दोस्तों, ठीक है। मैं एक चीज बता देता हूं, मैं ये नहीं बोलने वाला हूं ना कि इस डाइट को खा के आप 5 किलोमीटर दोस्तों 15 मिनट 16 मिनट 18 मिनट भाग जाओगे, लेकिन इतना जरूर आपको वादा कर देता हूं कि जो ये मैं डाइट बताऊंगा, अगर आपने प्रॉपर फॉलो किया इस डाइट को ना दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप ग्राउंड पे आओगे तो फुल एनर्जेटिक महसूस करोगे और फुल अपना परफॉर्मेंस, जो भी आपका कोच वर्कआउट दिया, जितना भी आपका ट्रेनर करा रहा था, फुल बढ़िया से उसको कर पाओगे, थकोगे नहीं, ठीक है दोस्तों। तो चलो शुरुआत करते हैं। जय हिंद भाइयों, मैं फिजिकल ट्रेनर शिवा और आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने फिटनेस फोर्स एकेडमी में। देखो मेरे भाई, डाइट आपका न्यूट्रिशन तीन तरह का होता है जो कि वर्कआउट एक्सरसाइज रनिंग में काम आता है। पहला होता है दोस्तों प्री वर्कआउट, दूसरा होता है दोस्तों इंटर वर्कआउट, ठीक है, और तीसरा जो होता है मेरे भाई वो होता है आफ्टर वर्कआउट। प्री वर्कआउट क्या होता है दोस्तों, जो रनिंग के जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो या दौड़ रहे हो कोई एक्सरसाइज, उसके पहले क्या खा के जाना है। इंटर वर्कआउट की रनिंग के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान क्या खाना है। और दोस्तों प्री वर्कआउट जो और आफ्टर वर्कआउट जो आपका रनिंग वनिंग सब कंप्लीट हो गया तो आपको दोस्तों क्या खाना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले रात से शुरू करते हैं। जब भी दोस्तों आप रात को आप खाना खा ले रहे हो, अपना जो भी मील है, अपना घर का खाना खा रहे हो, उसके बाद दोस्तों आपको 400 से 500 मीटर या 1 किलोमीटर दोस्तों आपको टहलना है। पहला काम तो ये करना है कि आपको दोस्तों टहलना, ताकि जो खाना है, खाना हुआ भोजन, वो बढ़िया से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सोने से लगभग आपका 10 मिनट पहले मेरे भाई, या 5 मिनट पहले, लगभग 5 से 10 मिनट पहले दोस्तों आपको बॉयल पानी पीना है, गर्म पानी पीना है मेरे भाई, ठीक है, ताकि बढ़िया डाइजेस्ट हो जाए खाना जो खाया, और सुबह बढ़िया फ्रेश हो जाए, मतलब कचड़ा निकल जाए पेट का, ताकि हम अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। अगर ऐसा नहीं करोगे दोस्तों, अगर बढ़िया से फ्रेश नहीं होगे तो पहला तो अनकंफर्टेबल रहोगे, दूसरा दोस्तों पेट में दर्द भी हो सकता है आपका रनिंग के समय, ठीक है। अब दोस्तों आप रनिंग के जब आप रनिंग के जाने के सोच रहे हो तो रनिंग के दोस्तों 30 से 35 या 40 मिनट पहले आपको क्या खा लेना है, ये देखो। पहले तो आप एक सेव ले सकते हो दोस्तों, अगर ये नहीं मिला तो आप 2 केला खा सकते हो दोस्तों, अगर ये नहीं मिला दोस्तों आप तो ब्लैक कॉफी का सेवन कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये 2 से 3 चीजें आप, या 2 खजूर भी ले सकते हो, तो ये कुछ ना कुछ आपको खा के जाना है। खाली पेट आपको वर्कआउट नहीं करना है, खाली पेट दोस्तों आपको ट्रेनिंग नहीं करना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको ग्राउंड में क्या लेके जाना है, तो ग्राउंड में मेरे भाई अगर आप ग्राउंड जाते हो तो वहां पर दोस्तों आपको पानी लेना है, आपको 800 से 1 लीटर आपको पानी लेना है। उसमें दोस्तों आपको नींबू और दोस्तों शहद दोनों का मिक्सर रहना चाहिए, हल्का नॉर्मल गर्म पानी रहना चाहिए दोस्तों, हल्का हल्का गर्म पानी, ठीक है, ताकि जब वर्कआउट आप करोगे तो आपकी बॉडी रहेगी गर्म, ठीक है, आपका बॉडी अंदर से जो रहेगा हीट रहेगा और अचानक से उसमें ठंडा होगा। मान लो कोई तवा है जिसमें रोटी सेकते हैं या कोई गर्म चीज में, अचानक से उसमें पानी फेंको तो कैसा सनसेव आ जाता है, धुआं उठ जाता है, तो गरम चीज दोस्तों उसको हल्का थोड़ा सा अगर सुमसुम पानी रहे, जिसको हम लोग थोड़ा हल्का गर्म पानी पीने लायक पानी रहे, तो दोस्तों अच्छा बेनिफिट आएगा। तो ग्राउंड में लेके जाना, और अपने रनिंग के दौरान ही मेरे भाई आपको क्या करना है, उसको एक एक घूंट पीना है और एक्सरसाइज करना, ताकि आपका बॉडी डिहाइड्रेशन ना हो, आपका दोस्तों बॉडी में पानी की कमी ना हो। अगर बॉडी में आपकी पानी कमी होगी तो दोस्तों चक्कर आ सकते हैं, आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं आएगी। जैसे मान लो कि आपका कोच बोला 5 किलोमीटर दौड़ने का, तो आप 3 किलोमीटर दौड़ कर रुक गए, ये सब बहुत सारी चीजें पानी कमी के कारण होता है, ठीक है। अब दोस्तों ये मान लो आपने वर्कआउट और सब एक्सरसाइज खत्म कर लिया, अब जैसे अपने रनिंग एक्सरसाइज खत्म करते हो वैसे ही दोस्तों आपको तुरंत 20 से 25 मिनट के अंदर दोस्तों आपका फर्स्ट मील लेना है, फर्स्ट दोस्तों आपको डाइट लेना जो आप खाना खा रहे हो। अब उसमें क्या ले सकते हो दोस्तों, आप उसमें ले सकते हो चना अंकुरित हुआ, मूंगफली, आपको दोस्तों काजू, किशमिश, बादाम, मूंगफली के दाना और पिस्ता बादाम, ठीक है, थोड़ा थोड़ा रात को भुला कर अंकुरित कर लेना, और इतना सुबह, और उसके साथ दोस्तों गुड़, ठीक है, उसके साथ गुड़, और दोस्तों 2 रोटी या रात का रोटी बचा वो भी ले सकते हो, दिन में अगर बनाया तो वो भी ले सकते हो, 2 रोटी दोस्तों उसे पीनट बटर लगा के ये आपको दोस्तों हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आप एक कोई भी मल्टीविटामिन ले सकते हो, जैसे दोस्तों आपके बजट में बेकाटेक्समिन आ जाएगा, आपका दोस्तों A2Z आ जाएगा, आपको बहुत सारे ऐसे मल्टीविटामिन है, आप कोई भी बोलोगे अच्छा मल्टीविटामिन दे दीजिए तो दोस्तों आपको दे देगा, ठीक है। तो ये आपको अपने मॉर्निंग में फर्स्ट मील में लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप अपना रेस्ट करना, आराम, सो जाना है, ठीक है, नींद लेना है,
अपने रनिंग किया ये किया उसके बाद नहीं लेना है। बहुत सारे बच्चे तीन तीन टाइम रनिंग करेंगे, ये आपका गलती है। अगर आप तीन तीन टाइम रनिंग करोगे तो दोस्तों आपका इंजरी हो सकता है, नी पेन आ सकता है, कफ मसल पेन आ सकता है, मसल क्रैम्प आ सकते हैं, ठीक है। झोला छाप या कोई भी अंध विश्वास वाला रनिंग नहीं करना है, ना झोला छाप वाला ट्रेनिंग उसे करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ये सुबह वाला, ठीक है दोस्तों, ये सुबह का बता। और उसके बाद अगली वीडियो दोस्तों आपका लंच और डिनर के भी मैं बना दूंगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं, मैं आप अगर दोस्तों आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, गुरु दक्षिणा के दोनों पे कुछ भी देना चाहते हो तो शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।